कैसे हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री वाला लेसन पढ़वा रही हूँ, आपको बुक दिखा दूँ एक बार। देखिए ये बुक है इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। उस समय भारत और सारा वर्ल्ड कैसा था, उसमें क्या चल रहा था, ये आपको पढ़ना है। और बच्चों इसमें सबसे पहले आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, सैटरडे को बहुत अच्छी तरह आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया था। एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं जिससे आप रिमाइंड कर सकें उस चीज को। आपको हमने बताया था कि फ्लैशबैक में ये हिस्ट्री चल रही थी, जो वहाँ के राजा थे लुई 16, जब वो 20 साल के थे, 20 इयर्स के थे, तभी वो फ्रांस के राजा बन गए थे, ठीक है। और जब ये राजा बने तो इन्होंने देखा कि इनके पास में राज्य में फ्रांस में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, सारा खजाना खाली है। ऐसा क्यों हुआ था? दो बातें थी। एक तो अमेरिका यूएसए की जो 13 कॉलोनीज थी, जिनको ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर रखा था, उसको फ्री करने के लिए जो फ्रांस था उसने मदद की थी, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो सबका कॉमन एनिमी था। एनिमी माने दुश्मन। इंडिया पर कब्जा कर लिया था, उधर यूएसए पे कर लिया था, इधर इसकी तरफ भी बढ़ रहा था, चीन जैसी हालत थी उसकी। तो जब इन्होंने यूएसए की मदद की उसको फ्री करने में, तो पैसे की जरूरत थी, आर्मी के लिए पैसा कहाँ से आता, इसके अलावा देश को भी तो चलाना था, रोजी रोटी इन सब की लोगों को जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, कर्ज लिया, डेट लिया, और इतना ज्यादा हो गया, युद्ध खत्म होते होते 1 बिलियन लीरा मतलब अरब में आ गया, और होते होते डबल हो गया। अब जब डबल हो गया तो जो लोग थे, युद्ध खत्म हो गया तो जो लोग थे वो पैसा मांगने लगे। अब ये पैसे कहाँ से लाए, और वहाँ की हालत क्या थी फ्रांस की, ये हम आपको बता दें। वहाँ की जो जनता थी ना, वो 3 पार्ट में बटी हुई थी, ठीक है। पहला पार्ट जो था सबसे बड़ा लेवल था, फर्स्ट लेवल था, जिसमें जो एलिट थे, जो पैसे जो पहले से ही अमीर थे, और जो ऐसे घरानों के थे जिनका आपस में संबंध था और पैसे वाले थे, उसमें आते थे। सेकंड में पता हो जाता था जो वहाँ के चर्च थे, क्लर्जी थे, जो वहाँ पर पूजा उपासना करते थे। फ्रांस में जो चर्च थे उनका बहुत उनकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। सेकंड स्टेट ESTATE की बात कर रही हूँ मैं, सेकंड स्टेट में उनका दशा। फर्स्ट स्टेट में तो वो हो गए जो बहुत ही एलिट थे, दूसरे में ये क्लर्जी हो गए, ठीक है। अब आया तीसरा स्टेट, जैसे हमारे यहाँ होता है बहुत अमीर, मध्यम श्रेणी, लोअर ग्रुप। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, तो वहाँ तो उस समय ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो अरबों में है, तो भी देखो हर व्यक्ति गाड़ी से चलता है, सबके पास खाने को है, गवर्नमेंट कितनी हेल्प कर रही है। वहाँ पर तो वो युद्ध का समय था, विदेशी का ही ऐसा नहीं था। और थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो हमारे आपके जैसे नॉर्मल लोग होते थे, जो मजदूरी करते थे बेचारे, और मजदूरी या खेती, देखिए वहाँ भी हर देश में शुरू में खेती ही होती थी, वहाँ भी किसान बहुत थे, 75% तो किसान ही किसान थे। अब बहुत से ऐसे थे जो इतने गरीब थे कि उनके पास अपनी जमीन भी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो जो पैसे वाले लोग थे ना, अमीर लोग थे, वो अपनी जमीन उधार दे देते थे, जैसे हमारे यहाँ पर्ची पे दे देते हैं कि तुम इस पे खेती करो, आधा तुम लेना आधा हम लेंगे। तो जो पैसे वाले लोग थे वो
होते हैं लोग, या तो बहुत ज्यादा उनके पास जमीन थी तो वो मजदूरों को बुला के काम करवाते थे, लेबर्स को बुलवाते थे और उनको जितना देना होता था तय होता था उतना देते थे, बाकी सब अनाज अपने पास रखते थे, या तो फिर उनको उधार जमीन दे देते थे कि तुम उस पर खेती करो और उसके बाद में हमको हमारा हिस्सा दो और आप अपना हिस्सा रखो, ठीक है। ये हुआ। अब होता क्या था बच्चों, जो फर्स्ट स्टेट है और पैसे वाले हैं उनको टैक्स नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ज्यादा थी, पूरे के पूरे टैक्स वाले जो थे स्टेट वाले जो थे पर उनसे टैक्स नहीं लगता था। और जो सेकेंड स्टेट वाले थे जो क्लर्जी थे जो वहां पर जजेस थी उनसे भी टैक्स गवर्नमेंट ले लेती, ठीक है। और देखो जो बहुत पैसे वाले हैं वो तो गरीबों से काम करवाते थे और बदले में उनको थोड़ा बहुत देते थे, इससे वो फायदा होता था। और जो ये है ना चर्च वाले, ये क्या करते थे, ये अपना टैक्स जो गरीब लोग थे उनपे अलग से लगाते थे कि जितनी भी फसल आपकी होगी जो आपको देनी है आप दे दो अमीरों के हिस्से की या जमीन के बदले, बाकी जो फसल बचती थी उसका 10% ये चर्च वाले ले जाते थे, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट का टैक्स हर चीज पे टैक्स था, क्योंकि हर चीज इतनी गरीबी हो गई थी पैसा कहाँ से आए, तो जो टैक्स लगता था बच्चों वो थर्ड स्टेट पर ही लगता था। देखो उनसे जो पैसे वाले थे वो भी पैसा लेते थे और जो चर्च वाले थे वो भी टैक्स लेते थे 10% और बेचारे उनसे गवर्नमेंट भी टैक्स लेती थी। अब तो ये क्या करते बहुत परेशान। तो एक दिन क्या हुआ, करीब 7-8 हजार लोग पेरिस की सड़कों पर जब बहुत परेशान होते हैं तो रिवोल्यूशन होता है, पेरिस की सड़कों पर उतर गए और उन्होंने कहा हमको रोटी दो रोटी दो रोटी दो, रोटी की डिमांड करने लगे। और इन्होंने क्या किया, इतने परेशान हो गए थे कि जो वहाँ की ऑफिशियल बिल्डिंग थी उनमें घुस गए, तोड़फोड़ कर दी, ठीक है। और वहाँ का जो महल था उसको भी ये तोड़ने फोड़ने लगे कि हमको आप पेरिस रोटी दो। और वहाँ की जो जेल थी वहाँ पर ये थे जेल में जो बंद लोग थे उनको इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको फ्री कर दिया। इन्होंने सोचा कि क्योंकि इनको पता चला जब ये आए जुलूस में प्रोफेशन में कि जो राजा है ना उसने ऑर्डर दिया है कि अपनी फौज को इन सब के ऊपर गोली चलाओ। उन्होंने सोचा हमारे ऊपर तो गोली चल जाएगी, हमारे बच्चों का क्या होगा, तो इन्होंने कहा हमारे पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब क्या हो, इनके पास तो कोई औजार कुछ भी था नहीं, कोई वेपन नहीं था, तो ये ऑफिसर्स को तोड़ के उसके अंदर घुस गए कि कोई ना कोई वेपन तो मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो था उसके बाद इनको वेपन मिला या नहीं ये तो अलग सी बात थी, लेकिन इनके ऊपर काफी अत्याचार हुआ और इसको दबाया गया। अब क्या हुआ, ये तो दबा दिया, इसके बाद फिर शुरू हो गए। इन्होंने क्या किया, टेनिस कोर्ट के सामने वहां पर इन्होंने क्या किया सभा और कहने लगे कि ये क्या, इधर जो राजा था ना इन्होंने तो सभा की कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाएंगे। इधर इनको खबर मिली इन्हीं गरीबों को कि राजा हमारे ऊपर और टैक्स लगाने जा रहा है, तो इन्होंने सोचा कि अभी इतना टैक्स तो हम दे नहीं पाते हैं, इतनी परेशानी होती है, और टैक्स लग जाएगा तो हम क्या खाएंगे, हम तो मर जाएंगे। और लोगों को बच्चों अपनी चिंता नहीं होती है, अपने परिवार से ज्यादा होती है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं करने देंगे। और उस समय जो टैक्स लगाया जाता था बच्चों तो राजा खुद टैक्स नहीं लगा सकता था, उसके लिए उसको मीटिंग बुलानी पड़ती, ठीक है। तो उसने तीनों स्टेट में फर्स्ट जो बहुत पैसे वाले थे, सेकंड स्टेट जो क्लर्जी थे और थर्ड स्टेट जो हमारे आपके जैसे बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग के थे, उसने क्या किया इनको नोटिस भेजा कि मीटिंग में आओ और यहाँ पर मीटिंग होगी और फिर टैक्स बढ़ाए जाएंगे। अब उन दोनों स्टेट को जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे उनको तो कोई मतलब ही नहीं था, बड़े टैक्स तो क्या हमको तो देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले थे वो परेशान हो गए।
अब क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव आए ना बच्चों, फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, सेकंड स्टेट से भी 300 आए और थर्ड से 600 गए, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या तो इन्हीं की थी, गरीबों की थी। अब क्या हुआ, जो महल था पैलेस के हॉल में इनके बैठने की व्यवस्था की गई, अरेंजमेंट किया गया। अब कैसा अरेंजमेंट था ये देखो, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी, फर्स्ट और सेकंड, उसके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको बैठाला गया बेंचेस पे और उनका मुंह एक दूसरे के सामने था, ऐसे एक का मुंह ऐसे और दूसरे का ऐसे, जैसे हम लोग बैठते हैं ना बेंचेस पर या चेयर्स पर जब प्रोग्राम होते हैं तो हमारी पीठ होती है दूसरे की तरफ, लेकिन वहां पर एक दूसरे की तरफ उन्होंने फेस किया। 300 तो बैठ गए फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो 600 थे उनको इन्होंने बैठने का अरेंजमेंट नहीं किया, उनको बैलकनी में खड़ा रखा, जिसमें लेडीज भी थी, ओल्ड पीपल भी थे और यंग पीपल भी थे, तो इट वॉज वेरी रादर आई शुड से इंसल्टेड। उन लोगों को लगा कि हमारे बैठने की क्या जमीन पर ही बैठा देते, क्या वो व्यवस्था भी नहीं थी। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, वोटिंग शुरू हुई। जब वोटिंग शुरू हुई तो ये कहा गया किंग की तरफ से कि केवल फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ही वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो नहीं करेंगे। अब थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि टैक्स तो हमको देना पड़ता है और हम ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नहीं सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और एक व्यक्ति एक वोट देगा, तो इसीलिए हम तो नहीं मानेंगे। फिर भी इनकी बात नहीं मानी गई। जब नहीं मानी गई तो जितने भी थर्ड स्टेट वाले थे उन्होंने क्या किया, बाहर निकल गए, उन्होंने कहा कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, वॉकआउट करेंगे, और पूरे के पूरे जो 600 पीपल थे इन्होंने वॉकआउट किया। और वॉकआउट करके ये जो वहां का टेनिस कोर्ट था उसके सामने जमा हो गए और कहने लगे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ये जो राजा बना रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और इस तरह जो था वो क्या पैदा हुआ। अब जो ये ग्रुप था 600 वाला, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, इनके जो दो लीडर थे वो बहुत अच्छे थे, वो लीडर ऐसे थे जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, क्योंकि जो छोटा वर्ग था ना थर्ड वर्ग था बच्चों, इसमें पढ़े लिखे लोग बहुत थे, क्योंकि जो पढ़े लिखे थे उनको समझ में आता था कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, तो वो इनसे साफ हो जाते थे। तो जो फर्स्ट स्टेट थी सेकेंड स्टेट में तो क्योंकि पुजारी होना है तो पढ़ने लिखने का तो इतना मतलब ही नहीं होता था उसमें, तो उनको जो छोड़ थर्ड स्टेट में थिंकर थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, सब दोनों को आए थे। और पहले जब थर्ड स्टेट वाले लोग रिवोल्यूशन करते थे, आंदोलन करते थे, तो उनका कोई लीडर नहीं था, उनको कोई एकजुट करने वाला नहीं था, लेकिन अब लीडर तो है, उन लोगों ने भाषण दिया, खूब लेक्चर दिया और इन्होंने कहा कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। इसमें जरूरी 16 था, उसको इन्होंने पकड़ा, जेल में डाला, बाद में वो भाग रहे थे तो एयरपोर्ट पे पकड़े गए और वहाँ उनका मर्डर हो गया, वो तो गए। इसके बाद में क्या हुआ, अत्याचारी होते हैं ना, यही बात होता, तो क्या हुआ उसके बाद से नया कॉन्स्टिट्यूशन, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में वही बातें सामने आई जो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटी है, सब कुछ है, अभी मैं आपको आगे बताओ। तो बच्चों ये मैंने आपको बताया कि किस तरह रिवोल्यूशन की आउट ब्रेकिंग हुई, आ गया ना इतना समझ में, ये मैंने आपको फिर से रिपीट किया। अब वहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब हम आपको जो आज पढ़ा रहे हैं फ्रेंड रिवोल्यूशन में, इसमें देखो
फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखो बेटा क्या था कि पहले से सदन हर जगह की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर राजा लोग शासन करते थे। और होता ये था कि जो राजा फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, तो ये हो जाती है एक तरह से मोनार्की भी हो जाती है। और ये हो जाता है कि ये तो वो अपने को भगवान समझने लगते हैं कि हम जो करते हैं वो सही है, क्योंकि तो उनको तो पता है कि हमको राजा बनना है, उनके बेटों को पता है कि हमको राजा और राजकुमार और राजकुमारी बनना है, तो उनको तो हमेशा अय्याशी में रहना है, पैसे के बीच रहना है, उनको तो किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। तो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बना ना, वो इस बात के लिए बना कि मोनार्की हटाई जाए। ये मोनार्की क्या थी बेटा, मैंने आपको अभी बताया, मोनार्की का मतलब है कि जो राजा 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 जो उत्तराधिकारी बन रहे हैं उनके, ये मोनार्की हटा दीजिए और इस बेस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। अब बच्चों इसमें जो ये रखा गया कि क्या होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में देश में क्या, तो सबसे पहले बेटा वोटिंग। उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना कि जो सरकार बनेगी, जो पार्लियामेंट बनेगी, जो कुछ भी बनेगी, और उसमें भी वही हुआ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। जुडिशियरी तीन पार्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे यहाँ है, वही तीनों पार्ट हमारे यहाँ भी है, क्योंकि हमने भी, मैंने आपको बताया था, आप तो मुझसे इसमें पढ़े नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो देश के बहुत से अलग अलग देशों के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके उसके बाद उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो ली गई, ठीक है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सबसे पहले क्या आया, यही तीनों चीजें, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है, ये तीनों चीजें आई और इससे जो थी वहाँ का कानून बना। अब इससे बेटा क्या खास बात थी, सबसे पहली बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति वोट दे सकता है, वोट देने के बाद ही जो वो है सब गवर्नमेंट है वो बनेगी, लेकिन फिर भी इसमें कुछ रखा गया जो मैं आपको बताती हूँ कि वोट कौन देगा, जिनकी एज 25 years है वो वोट दे सकते। दूसरी बात एक और रखी गई, वो हमारे देश में नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए कि केवल वही लोग वोट दे सकते हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो वोट था वो तय हुआ। इसमें क्या हुआ देखिए आपको मैं बता दूं, पेज 10 पर लिखा हुआ है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका आर्टिकल, ये पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर 1791 में बना, इसमें कहा कि नेशनल असेंबली जो है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही आएंगे और जो सिटीजन्स हैं वो वोट करेंगे, लेकिन केवल 25 साल के आदमी, तो 25 years के हैं वो भी वोट दे सकते हैं। और जो टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करते हैं, आपको पता है थर्ड स्टेट में हमने आपको बताया कि टैक्स पे करते थे, लेकिन कितना टैक्स, ये देखिए 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, कितना टैक्स, कोई मजदूर काम करता है उसको मजदूरी मिलती है, तो उसको 3 दिन में कितनी मजदूरी मिली, मान लीजिए 1 दिन की मजदूरी 400 है, 400 rupees, तो 3 days की कितनी हो गई, 1200, तो ये एवरेज निकाला गया कि 3 दिन की कितनी होगी मजदूरी, उसके बराबर इक्वल, मतलब यदि 3 दिन की मजदूरी 1200 rupees हुई तो जो टैक्स है वो 1200 rupees, कम से कम 1200 rupees अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे करता है, ध्यान से सुनिएगा, तो वही व्यक्ति जो टैक्स पे करता है वही व्यक्ति
आया समझ में? पहली बात 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और तीसरी दूसरी बात ये कि वो टैक्स पेयर हो और कितना टैक्स देता हो। 3 डेज की जो वेजेस है लेबर की उनके अकॉर्डिंग या उसके इक्वल जो भी टैक्स देता है उसको माना जाएगा कि वो टैक्स पेयर है और वही वो दे सकता है। ठीक है, ये हुआ। और उसके बाद में ये हुआ कि जितने मेन, इनको तो पहले जो ये लोग थे ना, इनको माना गया एक्टिव सिटीजन जो वोट देने के काबिल। ठीक है, तो सोचा बहुत गवर्नमेंट वो तो हुए एक्टिव। ठीक है, वो हुए हमारे एक्टिव सिटीजन। और उसके बाद में जो रिमेनिंग मैन और विमेन है, जो रिमेनिंग है जो बच गए उनको माना गया पैसिव सिटीजन। पैसिव PASSIVE पैसिव सिटीजन। और उनको ये कहा गया कि ये जो है ये असेंबली में जो था एज अ मेंबर टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड एज एन मेंबर ऑफ असेंबली, देखो जो हाईएस्ट पे करता था टैक्स, जो हाईएस्ट टैक्स पे करता था वो असेंबली का मेंबर बनाया गया और उन्हीं को वोट देने का राइट था। देखो वोट देने का राइट हाईएस्ट टैक्स पेयर को तो नहीं था, लेकिन वोट देने का राइट उन्हीं को था जो टैक्स पे करते थे और वोटर्स की एज होनी चाहिए 25 ईयर। इनको एक्टिव कहा जाता था, एक्टिव। और जो दूसरे बच गए थे सिटीजन, ये एक्टिव सिटीजन थे और जो दूसरे थे वो थे पैसिव सिटीजन। ठीक है, और इसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का, जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन बिल, इसको आप नोट कर लीजिए, तो आप नोट करें एडिंग डालकर रेवोल्यूशन फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन कैसे से शुरू होता है? कॉन्स्टिट्यूशन विद अ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, एक ऐसा अधिकार जो वहां के नागरिकों को दिया गया। चार अधिकार था, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार, उसके पहला अधिकार था जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आप जानते हैं ना, आशा देने का अधिकार होता है, जो कहीं आप जाने वो कहने का अधिकार होता है। क्वालिटी बिफोर लॉ, देखिए हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उनमें भी यही सारी चीजें ऐड की गई है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय उस समय की गई। और इन लोगों ने कहा से ये देखा, ये इन्होंने देखा था जब यूएसए की 13 कॉलोनीज थी ना, जब ब्रिटेन से अलग की गई थी, स्वतंत्र की गई थी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें थी जो कि फ्रांस ने अडॉप्ट की और फ्रांस से हमने अडॉप्ट की, क्योंकि तो नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था तो पढ़कर से अडॉप्ट करना ही पड़ता है। इक्वालिटी रिपोर्ट लॉ, ये सारी चीजें जो थी, सारी चीजें राइटली प्रॉपरली आप कभी भी खरीद सकते हैं, आप जो चाहे काम कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आई और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो ऐसा बना कि इसमें एक इनका जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये सारी चीजें ऐड की गई। और इसी तरह जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर के सामने आया और वो सारे इम्पोर्टेंट चीजें सामने आई जो आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते। ठीक है, अब इसके साथ बच्चे कुछ सिंबल्स भी आए जो कि पॉलिटिकल साइंस के सिंबल्स थे और ये बड़े इम्पोर्टेंट सिंबल्स थे। देखो उस समय के लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, आपने देखा होगा जैसे
पढ़ा होगा आपने क्लास में कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको समझाने के लिए चित्र बनाए जाते थे कि चित्रों को पहचान करके देख करके इनको पता लग जाएगा कि क्या लिखा है, क्या लिखा क्या, चित्र को देख करके इनको अपनी बात पता चल जाएगा। तो उस समय क्या हुआ, लोगों को बताने के लिए कुछ चित्र थे, कुछ ऐसे फिगर्स थे, पिक थी जिनको काम में लाया गया। ठीक है, ये पिक्स आपके पेज 12 पर बनी हुई है। अभी हम आपको इन पिक्स के बारे में बताएंगे कि इन पिक्स का क्या मतलब था और ये क्यों बनी। ठीक है, तो आज के लिए अभी मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। तो आज के लिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही करती हूँ और इसमें आपने जितना पढ़ लिया है, जो समझ लिया है, ये आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, खुद बनाना है आपको, जिससे मैं भी तो देखूं कि आपने कितना समझा है और कितना किया है 9 क्लास। तो आज के लिए इतना ही और अभी मैं आपको सेकंड पार्ट में बताती हूँ कि क्या करना है। ओके।